नमस्कार, वायर की इस बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उपचुनावों की, जिनके नतीजे आज सुबह से ही आ रहे हैं। ये चुनाव जो चार कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हुए थे, तीन बंगाल के कॉन्स्टिट्यूएंसी और एक उड़ीसा के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनके नतीजे आज सुबह से ही आ रहे हैं। और जैसा कि हम जान रहे हैं अब कि तीनों की तीनों सीटों में टीएमसी आगे चल रही है और ममता बनर्जी जो भवानीपुर सीट से लड़ी थी वो रिकॉर्ड मार्जिन से 58,000 से ज़्यादा वोटों से जीत कर आई हैं। और दो जगहों पे जो जांगीपुर और शमशेरगंज जो बंगाल की सीटें जहां पर उपचुनाव हुए थे, वहां पर भी उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बहुत ज़्यादा मतों से आगे चल रही है। वैसे ही हमने देखा कि ओडिशा में जो पीपली की जो सीट थी, जो बीजेडी का गढ़ माना जाता था, वो वहाँ पर भी जो बीजेडी के उम्मीदवार थे रुद्र प्रताप महारथी, वो बहुत ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। करीबन अभी जब तक मैंने लास्ट देखा था तो वो 20,000 मतों से आगे चल रहे हैं। ये उनके ही पिताजी की सीट थी, प्रदीप महारथी, जो बीजेडी के बहुत सीनियर लीडर थे, और उनकी मृत्यु की वजह से यहाँ बाईपोल्स अनाउंस हुआ था जब और बीजेडी ने उन्हीं के ही पुत्र रुद्र प्रताप महारथी को टिकट दिया था। और जब वो जीत के आ रहे हैं तो जहाँ एक तरफ नवीन पटनायक की ओडिशा की राजनीति में बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी जो जड़ें हैं इस पिपली की सीट से बहुत मजबूत और ज़्यादा मजबूत कर ली है, जहाँ उस स्टेट में भी ओडिशा में भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी को एक उभार की ज़रूरत है और वो काफ़ी कोशिशें भी कर रही हैं, वहाँ पर इस जीत से नवीन पटनायक तो और मजबूत हो ही रहे हैं। मगर जो असली नतीजे का जो ये पूरा जो एक टेक अवे जिस तरीके से हम देख रहे हैं, वो बंगाल के की पॉलिटी को ज़्यादा, बंगाल की राजनीति को ज़्यादा एक तरीके से इम्पैक्ट करेगी। ममता बनर्जी जो पहले इस साल हुए जो असेंबली चुनाव थे, वो नंदीग्राम से सीट लड़ी थी, मगर एक बहुत ही नैरो मार्जिन से एक टाइटली कंटेस्टेड इलेक्शन में बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से वो बहुत ही कम वोटों से हार गई थी। और तब से एक तरीके से अगर देखा जाए, टीएमसी 211 सीटों के साथ एक भारी बहुमत से वहाँ पर वेस्ट बंगाल में अपनी सरकार बनाने में समर्थ हुई, मगर कहीं ना कहीं वो एक जो सार टेस्ट होता है, एक जो खट्टापन आता है, वो ममता बनर्जी की हार से एक तरीके से टीएमसी का जो जीत का रंग है वो कहीं ना कहीं फीका पड़ रहा था। बीजेपी ममता बनर्जी की नंदीग्राम की सीट से जो हार हुई थी उसको किसी तरीके से जकड़े हुए थी और ये कहना चाह रही थी अभी तक कि ममता बनर्जी, हो सकता है टीएमसी जीत गई हो ये चुनाव, मगर ममता बनर्जी की हार जो है वो किसी ना किसी तरीके से बंगाल में जो टीएमसी का मिसरूल है उसको कहीं ना कहीं दर्शाता है। लेकिन आज जिस तरीके से ममता बनर्जी भवानीपुर सीट में, जहां पर नॉन बंगाली पॉपुलेशन जो है वो करीबन 50% के लगभग है, वहां से जीत कर आकर आई हैं और रिकॉर्ड मार्जिन से जीती हैं वो ये सीट, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि न सिर्फ ममता बनर्जी एक बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं और अक्रॉस ऑल कम्युनिटीज़ है। ममता बनर्जी ने जीतने के बाद तुरंत ये कहा कि उनको हर वार्ड से टीएमसी को लीड मिली है। उनका कहने का यही मतलब था कि चाहे वो गुजराती हो, चाहे सिख हो, चाहे वो मारवाड़ी कम्युनिटीज़ हो, जिनका सपोर्ट बीजेपी सोच रही थी कि ये कम्युनिटीज़ जो नॉन बंगाली कम्युनिटीज़ है वो उन्हें सपोर्ट करेगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ और इन सारे जो नॉन बंगाली कम्युनिटीज़ ने ममता बनर्जी को ही सपोर्ट किया। हम देख रहे हैं कि जांगीपुर की जो सीट है वहां तो टीएमसी एक तरीके से एक तरफा जीती है, वहां पर ऑलमोस्ट 1,00,000 वोट से वो आगे चल रही हैं। वहीं शमशेरगंज में हमने देखा कि बीजेपी जो काफी उभर कर आई थी पिछले चुनाव में, वो बहुत ही पीछे जा चुकी है और वो तीसरे स्थान पर कहीं ना कहीं एकदम पीछे रहकर हार रही हैं। मगर वहाँ पर हमने देखा एक तरीके से कांग्रेस का एक जोरों शोरों से एक फिर से उभार नज़र आ रहा है शमशेरगंज की सीट में, जहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो टीएमसी के उम्मीदवार को भारी टक्कर दे रहे हैं, मगर फिर भी टीएमसी ये सीट करीबन 30,000 मतों से जीतने की पोजीशन में अभी तक है। तो ये जो सारी जो टीएमसी का जो एक एक अनडिस्प्यूटेड विक्ट्री जिसको कहा जाता है वो जो आया है, वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये जो ममता बनर्जी जब से जीती हैं वेस्ट बंगाल के चुनाव और उसके बाद उनकी जिस तरीके से उनकी पार्टी के और उनके खुद के जो पूरे अटेम्प्ट्स रहे हैं कि एक नेशनल
रोल में अपने आप को देखना, वो उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से उसको उसको मदद मिलेगी। जब से ममता बनर्जी चुनाव जीती हैं, वो दिल्ली में आकर अलग अलग ऑपोजिशन पार्टीज़ के साथ एंगेज कर रही हैं, और 2024 के जो इलेक्शंस में एक चैलेंजर, एक यूनाइटेड ऑपोजिशन फ्रंट की तैयारी करने में जुटी हुई हैं। और इसी इन्हीं दौरान कई सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ने ये कहा है कि अगर ममता बनर्जी ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति हैं इंडियन पॉलिटिक्स में जो नरेंद्र मोदी की जो नेशनल हेजिमनी बन चुकी है उसको चैलेंज कर सकती है, और टीएमसी खुद भी अपने आप को अब रीजनल पार्टी के तमगा के रूप से ऊपर अब सोच रही है, वो ऊपर आना चाहती है। और पिछले कुछ महीनों में अगर हम देखें तो गोवा, असम या चाहे वो त्रिपुरा हो, यहाँ पर लगातार अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू वो लगातार खबरों में रहती हैं। यहाँ तक कि हमने देखा कि सीनियर लीडर जैसे कांग्रेस के सुष्मिता देव या लुइजिनो फेलोरो जो गोवा के फॉर्मर कांग्रेस के सीएम थे, वो अपनी पार्टी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन करते हैं। जब से वो इलेक्शन जीती हैं तब से हमने ये देखा है कि कई सारे बीजेपी के जो उम्मीदवार जो पिछले असेंबली इलेक्शंस में जीत कर आए थे, वो भी अपनी पार्टी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरीके से ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दी है कि उनका रोल अब सिर्फ वेस्ट पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले जो 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं वहाँ पर वो अपना एक ग्रेटर नेशनल रोल देख रही हैं। उनका रोल अब ज़्यादा रहेगा, उनका एक रोल न सिर्फ एक लीडर की तरफ से हो की के जैसा हो सकता है, बल्कि एक एंकर के रूप में भी हो सकता है, जहाँ पर वो कई सारे ऑपोजिशन पार्टीज़ को एक एक मत करके एक साथ लाकर एक ऑपोजिशन फ्रंट तैयार करने में उनका जो रोल है वो कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट अब आने वाले दिनों में होना चाहिए। तो आज का जो उपचुनावों के नतीजे हैं उससे कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरीके से साफ हो गई है कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी ने एक एक 2 साल पहले एक बहुत एक 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 तरीके से एक सर्ज देखा था, एक 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 तरीके से प्राइमरी ऑपोजिशन पार्टी के रूप में उभर कर आई थी, वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से जो बीजेडी हो या चाहे टीएमसी का जो पूरा जो डोमिनेंस है उसके अंदर कहीं ना कहीं घुटती भी दिख रही है, और उनकी क्षमताएं जो है वो खत्म होती भी दिख रही है इनके डोमिनेंस के सामने। तो ये उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो न सिर्फ ये झलकाता है कि किस तरीके से जो स्टेट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अपने अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू किस तरीके से बीजेपी को चैलेंज कर रही है, बल्कि ये जो बीजेपी का जो एक तरीके से उभार एक ईस्टर्न इंडिया में दिख रहा था उस पे भी कहीं ना कहीं एक तरीके से एक बहुत ही बड़ा धक्का है बीजेपी के लिए। तो आने वाले हम दिनों में देखते हैं, 30 अक्टूबर को 30 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहाँ पे बाईपोल्स होने हैं, और 3 लोकसभा की सीटें भी हैं जहाँ पे बाईपोल्स होने हैं, और उन वो चुनाव जो है वहाँ उसमें पता चलेगा क्या यही जो आज के जो 4 नतीजे आए हैं क्या यही ट्रेंड कंटिन्यू आगे भी करता है या नहीं। वो ऐसे तो टीएमसी एक क्षेत्रीय पार्टी है, मगर ये हम देख रहे हैं किस तरीके से असेंबली चुनावों के बाद जब वो ममता बनर्जी अपनी पार्टी को भारी बहुमत से जिता कर लेकर आई, उसके बाद से वो अपने नेशनल रोल को बहुत ही अहम मान रही हैं। उनकी भूमिका भी उसी तरीके से रही है, न सिर्फ इलेक्टोरली चैलेंज करना चाहती है ये बीजेपी को, बल्कि एक तरीके से विचारधारा की लड़ाई में बीजेपी के साथ करना चाह रही है, एक आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन देना चाह रही है, चाहे वो कम्युनलिज्म का क्वेश्चन हो, चाहे वो जिस तरीके से जो कई सारे ऑब्जर्वर्स मानते हैं कि जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं बीजेपी के रेजीम के दौरान, नरेंद्र मोदी के
के लीडरशिप में, और या फिर ये जो इंडिया के जो पब्लिक एसेट्स जो हैं, चाहे वो एयर इंडिया हो या PSUs हो, जिस तरीके से उन्हें प्राइवेटाइज किया जा रहा है, या फिर अगर हम देखें कि चाहे वो सेक्युलरिज्म के सवाल पर भी, जिस तरीके से दिल्ली रायट्स में TMC का लगातार बीजेपी को कटघरे में खड़े करने का एक रोल रहा, वो पूरे तरीके से ये हम समझ पा रहे हैं कि TMC एक आइडियोलॉजिकल अपोजिशन बीजेपी को देना चाह रही है, न सिर्फ पश्चिम बंगाल में मगर नेशनली पूरे भारतवर्ष में। और इन्हीं चीज़ों का जो एक छोटा सा जो स्वरूप है, वो भवानीपुर के कैंपेन में भी दिखा ममता बनर्जी का, जहाँ पर जो नॉन बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है, चाहे वो गुजराती हो या मारवाड़ी हो, उनके पास जाकर ममता बनर्जी ने एक स्पेशल आउटरीच किया उन्होंने, और उनके ही भाषा में, हिंदी में कई जगह में भाषण देती हुई पाई गई। और TMC के बहुत सारे जो वर्कर्स हैं, वो लगातार ममता बनर्जी को नरेंद्र मोदी के प्राइम चैलेंजर के रूप में प्रोजेक्ट करते रहे। वो लगातार गलियों में, और उनका जो भवानीपुर का कैंपेन रहा, उसमें ये लगातार TMC के वर्कर्स बताते रहे कि अगर कोई लीडर है इंडिया में जो नरेंद्र मोदी के डोमिनेंस को क्वेश्चन कर सकती है, उन्हें हरा सकती हैं या बीजेपी को कराया जा सकता है, तो वो सिर्फ TMC कर सकती है, और वो सिर्फ ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही किया जा सकता है। और अगर हम TMC के अलावा अगर हम इसी तरीके का कोई क्षेत्रीय पार्टी देखे, तो वो तमिलनाडु का DMK है, जहाँ पर MK स्टालिन उनके जो लीडर है, वो अभी पिछला चुनाव जीत कर आए, और लगातार इसी तरीके का एक आइडियोलॉजिकल अपोजिशन बीजेपी को दे रहे हैं, और वो लगातार एक विचारधारा की लड़ाई के विदिन वो अपना बीजेपी के खिलाफ जो अपोजिशन है उसको प्लेस कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, और लगातार बीजेपी का जो एक हिंदू मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स है, उसको उस पर सवाल उठा रहे हैं। जो नॉर्थ इंडियन जो हेजिमनी बीजेपी ने एक भारतवर्ष में करने की जो कोशिश की है, और कई लोग इस तरीके से कह रहे हैं कि खास करके जो दक्षिण भारतीय लोग हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी दक्षिण भारत को समझती नहीं है, और वो जो पूरे भारतवर्ष की जो परिकल्पना करती है, वो पूरी पूरी तरीके से वो उत्तर भारतीय ईडियम में ही बना हुआ है, और उसको उस पर सवाल उठाती है। तो ये आने वाले दिनों में हमें ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से DMK और TMC एक इस विचारधारा की लड़ाई को और कितने राज्यों में आगे बढ़ा सकती हैं, और कैसे दूसरे पार्टीज जो कि बीजेपी के खिलाफ अपनी राजनीति करते आए हैं, उनको एकजुट कर सकती है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।